गोरखपुर के निवासी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बरुस पर देश का तिरंगा लहराऊंगा। नीतीश ने बताया कि माउंट एल्बरुस की ऊंचाई 5642 मीटर है, जिस पर 15 अगस्त को झंडा फहराने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह ने बताया कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बरुस पर चढ़ाई करने के साथ ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास करूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह ने कहा, पर्वतारोही नीतीश सिंह, अभी तक मैं करीब करीब 10 हिमालय की पर्वतों पर चढ़ाई कर चुका हूँ, जिसमें से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भी जा चुका हूँ। उसके बाद मैंने माउंट टॉक कांगड़ी, फिर अरुणाचल प्रदेश का मीराथांग ग्लेशियर 16,000 फीट, फिर मैंने लेह लद्दाख की माउंट टॉक कांगड़ी को फतह किया है। फिर उसके बाद अभी हाल ही में मैं माउंट रुद्रगैरा और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 26 जनवरी को फतह करके आया हूँ। और उसके बाद मैंने 3 पर्वतें माउंट फ्रेंडशिप, माउंट चित्तिदर, माउंट कनामो हिमाचल प्रदेश में क्लाइम करने के लिए गया था। और अभी मैं 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर क्लाइम करने जा रहा हूँ और एक नेशनल रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। मोटिव क्या है? मोटिव ये है मेरा कि वहाँ से मैं जागरूकता फैलाना चाहता हूँ, और भारत का तिरंगा कभी दूसरे देश में जब फहरता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक गौरव की बात है, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और वहाँ से मैं वैश्विक महामारी के को भी पोर्ट्रेट करूँगा, जिसके लिए मुझे प्रोजेक्ट बाला के साथ मैं मिलकर काम भी कर रहा हूँ, और सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन और नोवा जायसवाल इंटरप्राइजेज मेरे को सपोर्ट भी कर रहा है।